देखो हमारा तो किसी की भी सरकार बने, हमारा कर्जा माफी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का सवाल है, हमारा जो एमएसपी गारंटी कानून है वो सवाल है। अभी बात जैसे पर्यावरण की बात हो रही, गर्मी बढ़ रही, सरकार को कोई मतलब इस चीज से नहीं है। दुनिया में गर्मी बढ़ो ये तो जंगल काटेंगे, हमारे यही के पेड़ लगे जंगल बचे, जो आदिवासियों की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे हम। हर स्टेट के जो इश्यू होंगे वहां पर सरकार किसी की भी हो, स्टेट और सेंट्रल स्तर पर लड़ाइयां लड़ी जाएगी, हमारा सरकारों से संबंध नहीं है। हमारा सरकारों की गलत पॉलिसी से संबंध है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो भी सरकारें होंगी अगर वो गलत फैसले देगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। पॉलिटिकल पार्टी का आपने जिक्र किया, आपके आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी रहने वाले जयंत चौधरी आज सरकार के पाले में, संभवतः मंत्रिमंडल में भी होंगे। हाँ चले जा भाई, तो भाई तो भागते भूत की लंगोटी सरकार की, जिसके हाथ तू लग जा भाई कब जा ले उसे तो। लेकिन अधर्म में छोड़ के ये क्षेत्र तो पूरा, इस क्षेत्र के भरोसे पूरा देश है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट, राजस्थान की, दिल्ली के लगभग 300-400 किलोमीटर के राउंड अप, ये अगर संगठन मजबूत रहेंगे यहाँ पे, देश के किसानों के भाग्य का फैसला इन्हीं क्षेत्र से होता है। संभावित सरकार में जयंत चौधरी पर सभी शामिल होते हैं तो किसानों अरे भले की कुछ संभावना भाई करवा दे, भला करवा दे कुछ। ये जो बड़ोत की इनकी गाड़ी है, पहले ये गाड़ी के कानून बदलवाए थे, ये गाड़ी चली 1,00,000 किलोमीटर, इनकी गाड़ी 10 साल इसको हो गए और यह गाड़ी अब चल नहीं सकती। जज की गाड़ी, जज यहाँ के जजों ने ये कहा, दिल्ली के और वहां के कुछ जज मिले, उनने कहा जी हम सबका फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला कोई देश में है? हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, जो 10 साल पुराना जो कटान में आएगा किसान का ट्रैक्टर, ये पूंजीवाद देश में हावी होगा। जो दुनिया की पॉलिसी है वो चलेगी। देखो हमने तो पहले कहा था, जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे, वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्होंने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो ये समझ में नहीं आ, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीन ने जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो उसमें, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा, कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा, कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके, वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है उसमें। चौधरी साहब आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बड़ोत माम है यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे हराए, सहारनपुर में यहाँ पे बिजनौर में उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे, लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या भाई? जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे हैं भाई जीतेंगे, यही ये हुनर गणित कौन सा है, गणित समझ में नहीं आया किसी की।